एवरीवन, एक बार फिर से यू ऑल अ वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंग्लिश स्पाइसेस। सबसे पहले तो यार आई एम हर्टली सॉरी इसलिए कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो आने में, क्योंकि आई वॉज जस्ट टाइड अप विथ माई वर्क, थोड़ा सा बिजी भी हो गया था, प्लस कोविड शील्ड लगवाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। वेल नो वरी, वंस अगेन आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो तो थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा, लाइक कॉम्प्लीमेंट। आज हम इस वीडियो के हेल्प से, इस टॉपिक के हेल्प से सीखेंगे एंड लर्न करेंगे कि इंग्लिश कन्वर्सेशन में हम एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट थॉट होता है वो हमें कैसे देना चाहिए। सो आज इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इसको कवर करेंगे। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बहुत सारे हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। हिंदी में आप तो आराम से कर लेते हो, भाई क्या वाह वाह वाह, क्या लग रहा है भाई, एकदम मस्त लग रहा है, ज़बरदस्त है, शानदार है, वाह आप कितनी सुंदर दिख रही हैं, वाह आप पे ये सूट बहुत जच रहा है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ऐसे से करके मेल फीमेल को आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स हिंदी में तो कर ही लेते हो। फिलहाल जब बात आती है इंग्लिश में तो मुँह चुप हो जाता है, वहाँ पे आप चुप हो जाते हो, फिलहाल आपको आज वर्ड ही नहीं मिलता है कि भाई मैं इंग्लिश में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करूँ। बट नो वरी बड़ी, आज इस टॉपिक के हेल्प से आज ये सारा डाउट डर क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ इन इंग्लिश यू कैन इजली कॉम्प्लीमेंट टू अ मेल और फीमेल। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेल को कैसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। पहली बात तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए वो जेन्युइन कमेंट होना चाहिए। जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जेन्युइन, मतलब हाँ जो आप कह रहे हो वो सही है, चाहे वो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो ड्रेस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हो, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होगा, जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि झूठी तारीफ करे, झूठी प्रशंसा करे, सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मेल भी देखते हैं कि फिर हम कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेल्स को। मेल्स बोले तो बॉयज, जेंट्स, ओके। तो हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं कॉम्प्लीमेंट करने को, वो दो सेंटेंस ये होते हैं। पहला सेंटेंस जो आप यूज कर सकते हो वो ये होता है कि यू लुक, एंड सेकेंड सेंटेंस वी हैव दैट इज यू आर लुकिंग। यू लुक मीन्स आप दिखते हो, यू आर लुकिंग मीन्स आप दिख रहे हो। इन दो सेंटेंस के हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट जो स्टार्ट करते हैं, कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कॉम्प्लीमेंट हमारा है, यू आर लुकिंग 16 ईयर ओल्ड। भाई हिंदी में आप कैसे बोलते हो, अरे यार अभी तो आप 16 साल के दिख रहे हो। ये चचा लोग को जब आप कॉम्प्लीमेंट करो, मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखते हो, तो आप बोल सकते हो, कहते हैं कभी कभी ना, अरे यार अभी तो आप 16 साल के दिख रहे हो, तो आप बोल सकते हो यू आर लुकिंग 16 ईयर ओल्ड। आप ऐसे भी बोल सकते हो यू लुक 16 ईयर ओल्ड, आप अभी भी मीन्स 16 साल के दिखते हो, या फिर यू आर लुकिंग 16 ईयर ओल्ड, आप 16 साल के दिख रहे हो। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट और हमारे पास है, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ये देखो आप क्या कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, मतलब ऑफ ऑल मीन सभी में आप बहुत ही बहादुर इंसान हो, आप कैसे हो, बहादुर हो। थर्ड है हमारा, यू आर माई परफेक्ट मैन। फिलहाल इस दुनिया में तो कोई परफेक्ट है ही नहीं यार, बट थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के लिए, प्रशंसा के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, सॉरी ये वर्ड नहीं, ये सेंटेंस कि यू आर माई परफेक्ट मैन। ये भी क्या एक पार्ट है कॉम्प्लीमेंट का, क्या, मेल्स को, ओके। एंड नेक्स्ट वन, यू आर शो काइंड, आप इतने दयालु पूछो मत। बहुत लोग ऐसे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, बहुत लोग खूंखार होते हैं, तो आप वहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, जो बहुत ज़्यादा दयालु हो, काइंड हार्टेड हो, वहाँ पे आप बोल सकते हो यू आर सो काइंड। ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और भी नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट बहुत मज़ेदार कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास है, जो वन बाई वन करके हम कवर करेंगे। सो उसके बाद है हमारा, यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हो, आप क्या भाई सबसे बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट यार, ओके। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, यू आर सो फियरलेस, या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू लुक फियरलेस, आप हमेशा फियरलेस दिखते हो, जो कभी डरता नहीं है, एकदम बिंदास रहता है, उसे आप क्या बोलते हैं, फियरलेस। फियर मीन्स क्या होता है, डर, एंड फियरलेस मीन्स जो कभी डरता ना हो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो यू आर सो फियरलेस यार, मतलब आप डरते नहीं हो किसी चीज से, ओके। सो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, यू आर इनकम्पेरेबल। अरे बाप रे बाप, ये जिसको बोल दोगे तो वो तो यार बह ही जाएगा। आप किसी भी इंसान को जब बोलते हो कि यू आर इनकम्पेरेबल, तो उसको इसमें इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आप उसको दे रहे हो कि पूछो मत। इनकम्पेरेबल का मतलब होता है कि अतुलनीय, मतलब आपकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है, कि आप इतने अच्छे हो, यू आर इनकम्पेरेबल।
नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि आप यूज कर सकते हो बहुत ही मजेदार है वो ये है कि यू आर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, यू आर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप किसी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप किसी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो कि भाई यू आर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, आप बहुत ही ज़्यादा दिमागदार या बुद्धिमान हो। दिमागदार थोड़ा वर्ड ऑफेंसिव लग रहा है बट लीव इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, ना कि हम कमेंट पढ़ रहे हैं। ओके, और भी ऐसे ढेर सारे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे यू आर काइंड हार्टेड, यू आर काइंड हार्टेड, यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मैन इन द वर्ल्ड। अरे बाप रे बाप, तुम आप यार इतने आकर्षित हो कि पूछो मत, आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मैन इन द वर्ल्ड। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा मीन्स अलग दिखने लगते हैं, चाहे वो ड्रेस से दिखें, चाहे पर्सनालिटीज दिखें, चाहे उनकी खूबसूरती या बनावट ही ऐसी होती है जो सबसे अलग दिखते हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मैन इन द वर्ल्ड। और भी कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास, योर स्टाइल इज इम्पैकेबल, योर स्टाइल इज इम्पैकेबल। इम्पैकेबल एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मीन्स इनोसेंट, इनोसेंट या फिर निष्कलंक आप हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है, आप वहाँ बोल सकते हो योर स्टाइल इज इम्पैकेबल। अगर कोई शर्ट किसी पे जच रहा है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे आप बोल सकते हो दिस शर्ट इज जस्ट स्टनिंग मैन, दिस शर्ट इज जस्ट स्टनिंग, बहुत बेहद खूबसूरत आपके ऊपर ये शर्ट लग रहा है। कोई चीज़ अगर कोई इंसान पहना हुआ है, अगर आप ये कहना चाह रहे हो अरे या भाई ये तो आपके ऊपर शूट करता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो इट शूट्स ऑन यू, इट शूट्स ऑन यू। उसके बाद है यू आर सो रोमांटिक, और भी आप यूज़ कर सकते हो यू आर जस्ट सो क्रिएटिव, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, कुछ ऐसे लोग होते हैं। ऑल राइट, ये तो हमारा मेल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अरे बाबा थैंक यू।